हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं आदर्श शुक्ला यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एंड्रॉइड फोन के यूजर्स हो तो गाइस आपको लॉस्ट डॉट डायरेक्टरी यानी गाइस लॉस्ट डॉट डायर गाइस ये फाइल आपको जरूर मिल जाएगी अगर आप एंड्रॉइड फोन के यूजर्स हो तो गाइस ये फोन में जो गाइस बार बार फोल्डर क्यों बन जाता है और क्या जरूरी है अगर आप डिलीट करते हो तो कुछ आपको घाटा तो नहीं, इसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। तो चलेगा सर, हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए सर, एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मैं फर्स्ट ऑल बताना चाहता हूँ कि मैं इससे पहले एंड्रॉयड फाइल और DCIM फाइल का एंड्रॉयड में क्यों बन जाता है इसके ऊपर भी गाइस मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद गाइस वो दोनों वीडियो वॉच करना मत भूलिएगा। तो गाइस जैसे कि बात करें तो लॉस्ट डॉट डायर यानी गाइस लॉस्ट डॉट डायरेक्टरी फोल्डर क्यों अपने यहाँ क्रिएट हो जाता है, तो जैसे कि अगर आप किसी फ़ोन के थ्रू या फिर कंप्यूटर के थ्रू अपने फ़ोन में कोई फाइल ले रहे हैं, फ़ोटो वीडियोज डॉक्यूमेंट्स कुछ भी हुआ अगर आप उनसे ले रहे हैं या फिर अपने फ़ोन से ही इंटरनल स्टोरेज से एक्सटर्नल स्टोरेज या एक्सटर्नल स्टोरेज इंटरनल स्टोरेज में अगर आप कोई फ़ोटो कॉपी करते हैं मूव करते हैं तो क्या होता है कभी कभी जो आपकी फ़ोन की बैटरी कम होती है, अगर बैटरी कम होती है तो आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, तो उतना जो प्रोसेस होता है यानी कि अगर आप भेज रहे हो उतने में अगर जो प्रोसेस होता है तो प्रोसेस जो मतलब उतना रहता है वो लॉस्ट डॉट डायरेक्टरी फाइल में सेव हो जाता है। यस गाइस, आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर आप मूव कर रहे हो, फाइल ले रहे हो, रिसीव कर रहे हो, सेंड कर रहे हो, ऐसी कोई भी प्रोसेस कर रहे हो तो आपका फ़ोन अचानक में स्विच ऑफ हो जाता है या रुक जाता है किसी कारणवश, तो जो उसका जो मेन पार्ट होता है जितना प्रोसेसिंग हुआ रहता है उतना जाके लॉस्ट डॉट डायरेक्टरी फाइल में जाके सेव हो जाता है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाइए कुछ मूव कीजिए या फिर किसी कंप्यूटर से लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। और अगर आप फ़ोन रिबूट करते हो या फिर आप फ़ोन को पावर ऑफ करते हो उसके बाद में पावर ऑन करते हो तो जैसे कि आप देखते ही हो अगर आपने फ़ोन ऊपर स्क्रीन ऊपर किया हुआ है तो वहाँ पे आएगा प्रिपेयरिंग योर SD कार्ड, तो ये क्यों लिखा हुआ आता है, तो उसमें गाइस वो स्कैन करता है कि क्या लॉस्ट डॉट डायरेक्टरी नाम की कोई फाइल क्रिएट हुई है, अगर क्रिएट हुई तो क्या उसमें कोई प्रोसेस है, प्रोसेस होना बाकी है, तो उसी तरह से वो पूरा रिन्यू करता है। ऐसे पता चल जाता है लॉस्ट यानी गुम या खोया हुआ, लॉस्ट का हिंदी मीनिंग तो यही होता है, तो इसका मतलब भी यही होता है कि अगर आप मूव कर रहे हैं तो कुछ जो गाइस बीच का प्रोसेसिंग बच गया है, गुम हो चुका है तो उसमें जाके स्टोर हो जाता है। इसलिए गाइस आपने बहुत बार देखा होगा लॉस्ट डॉट डायरेक्टरी फाइल उसमें बार बार क्रिएट हो जाता है। तो चले गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, अगर आपको कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। और गाइस अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए सर, एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।